गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम जतिन बंसल है बेटा। मैं आज थोड़े लिए बिल्कुल नवा टॉपिक डिस्कवरीज एंड इनवेंशंस आज लेके आया बेटा। एदा पार्ट वन है जिस दे विच आपा 20 मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कवरीज ते इनवेंशंस नू देखांगे बेटा। काफ़ी पार्ट्स होणगे इस दे भी, नियर अबाउट 5 to 6 पार्ट्स तां हैगे ही ने। ठीक है बेटा, हर पार्ट नू ध्यान नाल सुनियो बेटा, क्योंकि ना थोनू पता जिहड़े नाम ने टोटली इंग्लिश मैन दे नाम ने, तां ना बेटा नोट्स बनाओ, तां ना ऑब्जेक्टिवली नोट्स बनाओ हमेशा बेटा। भी ये नहीं हैगा भी हर एक का अपना अपना लिख लो। मैं जिमें ABCD लिखता हूँ ना, तो वह भी ऑप्शन नाल नाल लिखा करो बेटा। तो यह भी टॉपिक बेटा अपना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल। किस टाइम केड़ा क्वेश्चन एग्जाम च आ जाए बेटा आप नहीं कह सकते, तो आपू बेटा पूरा फुल प्रिपेयर होना पैंदा बेटा हर एग्जाम दे लई। याद रखो बेटा, जब अपनी फुल प्रिपरेशन होगी बेटा ता ही आप गवर्नमेंट जॉब लैके आ सकते हैं बेटा। ये टॉपिक्स है जेहे टॉपिक्स ने बेटा जेडे मोस्ट ऑफ बच्चे इग्नोर कर देंगे ने टॉपिक्स नू, तां प्लीज़ बेटा इग्नोर ना करा करो टॉपिक्स नू बेटा। मैं जो भी टॉपिक्स कला करा रहा बेटा, मैं सेम टॉपिक अपने क्लासा दे विच भी कराना हुंदा बेटा, तां प्लीज़ बेटा अपने ध्यान नाल टॉपिक्स नू कवर करो बेटा। तो अज इसका आप फस्ट पार्ट कवर करांगे, बिल्कुल 100% करैक्ट आंसर ने, थोनू बिल्कुल वेरीफाई करन दी लोड़ नहीं। ठीक है बेटा, तो पहला पार्ट आप स्टार्ट करते हैं। हू इनवेंटेड डायनामाइट, बहुत ही फेमस इनवेंशन रही है बेटा डायनामाइट। यह बेटा अपनी एल्फर्ड नोबल ना का परसन सीगा, बी ऑप्शन दे तुसी टिक ला दोगे। एल्फर्ड नोबल ने बेटा डायनामाइट बनाया सीगा। ये बेटा उही परसन है जिन्हें बेटा अपने नाम ते नोबल प्राइज़ स्टार्ट किए 1901 दे विच। बहुत बारी एग्जाम च क्वेश्चन आता है भी नोबल प्राइज़ है जिहड़ा बेटा वो किस दी याद दे विच दिता जाता है बेटा, एल्फर्ड नोबल दी याद विच दिता जाता है। तो एल्फर्ड नोबल ने डायनामाइट इनवेंट किया सीगा, तां बी ऑप्शन डायनामाइट उत्ते तुसी एल्फर्ड नोबल दे तुसी टिक ला सकते हो। नैक्सट, हू इनवेंटिड एटम बॉम्ब, जिमें बेटा आपने कहा डायनामाइट इनवेंट किया अपने एल्फर्ड नोबल ने, सेम वे नाल जिहड़ा एटम बॉम्ब सीगा बेटा ये जे रॉबर्ट ओपनहैमर ने इनवेंट किया सी। बहुत बारी एग्जाम सारी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट ने। ठीक है बेटा, ध्यान नाल सुनो, जे रॉबर्ट ओपनहैमर ने इनवेंट किया सीगा एटम बॉम्ब नू बेटा। ओके, नैक्सट क्वेश्चन, हू इनवेंटिड हाइड्रोजन बॉम्ब, यह भी बहुत फेमस है डियर। भी देखो तिने मैं कट्ठे लिखवाते बेटा, भी डायनामाइट इनवेंट किया एल्फर्ड नोबल ने, ठीक है बेटा एटम बॉम्ब ओपनहैमर ने किया, तो यह जरा हाइड्रोजन बॉम्ब है बेटा यह एडवर्ड टैलर ने किया सीगा, तो डी ऑप्शन एडवर्ड टैलर दे उत्ते तुसी टिक ला दोगे। ठीक है बेटा, नैक्सट, वट डिड जे बी डनलप इनवेंट, बहुत ही फेमस परसन है जे बी डनलप, इन्हें बेटा रबड़ दे टायर बनाए सिगे, तो न्यूमैटिक रबड़ टायर जिन्हें बनाए सिगे वो बेटा जे बी डनलप है, तो जे बी डनलप ने रबड़ दे टायर बनाए सिगे, तो सी ऑप्शन दे उत्ते तुसी टिक ला दोगे बेटा। इनू बेटा बार बार जिन्ने बार तुसी रिविजन करोगे ना उन्ना ही थोनू याद रहूगा बेटा। ये कुछ अजिहे टॉपिक्स ने बेटा जिहड़े मोस्ट ऑफ बच्चों नहीं आते हैं बेटा, जेकर थोनू ये टॉपिक्स आते ने बेटा तो उन्होंने तुसी बिल्कुल अलग हो जाओगे बेटा, तो तुसी अपने रैंक लैके आ सकते हो। तो प्लीज़ बेटा इन्होंने टॉपिक्स के उत्ते ध्यान रख्या करो बेटा। तो जे बी डन लप ये रबड़ टायर बनाया सीगा, तो सी ऑप्शन दे तुसी टिक ला दोगे बेटा। नैक्सट, विच साइंटिस्ट डिस्कवर द रेडियो एक्टिव एलीमेंट रेडियम, बहुत ही फेमस एलीमेंट रहा बेटा रेडियम, जिदे तो जो बेटा लाइट थोड़ी मतलब वो नेरे विच चमकता हुआ नज़र आता उन्हों आपां रेडियम कहने हैं। तो बहुत ही फेमस परसनैलिटी मैरी क्यूरी ने डिस्कवर किया सीगा बेटा अपना यह रेडियो एक्टिव एलीमेंट रेडियम बेटा, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी बेटा बहुत ही फेमस परसनैलिटी है बेटा, क्लीयर है बेटा। मैरी क्यूरी पहली बेटा अजिही वीमैन सीगी जिसनू नोबल प्राइज़ मिलिया सीगा बेटा। तो बहुत बारी ये भी क्वेश्चन आता है भी पहली वीमैन जिसनू कोई भी नोबल प्राइज़ मिलिया होवे ता वह केड़ी सी वर्ल्ड वाइड बेटा, वो मैरी क्यूरी सी बेटा, तो डी ऑप्शन मैरी क्यूरी दे तो तुसी टिक ला सकते हो। नैक्सट, हू इनवेंटिड बाईफोकल लेंस,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਬਾਈਫੋਕਲ ਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਾਇਓਪੀਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਪੀ ਬੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਾਇਓਪੀਆ, ਬੀ ਤੋਂ ਬਾਈਫੋਕਲ ਲੈਂਸ। ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਨਕੇਵ ਅਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਦੋਹੇ ਲੈਂਸ ਮਰਜ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਫੋਕਲ ਲੈਂਸ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਕ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਨੇ ਬਾਈਫੋਕਲ ਲੈਂਸ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਕ ਲਾ ਦੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ, ਹੂ ਇਨਵੈਂਟਿਡ ਦੀ ਕੋਂਟੈਕਟ ਲੈਂਸ? ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਪਰਸਨ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਂਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਂਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਅਡੋਲਫ ਫਿੱਕ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਅਡੋਲਫ ਫਿੱਕ ਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੋਂਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਬੇਟਾ। ਐਵਰੀਵਨ ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੇਨ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਡਾਟੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਬੈਸਟ ਬੈਸਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਓਨਲੀ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਡਾਟਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ, ਹੂ ਇਨਵੈਂਟਿਡ ਐਰੋਪਲੇਨ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਐਰੋਪਲੇਨਸ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ? ਔਰਵਿਲ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਵਿਲਬਰ ਰਾਈਟ, ਇਹ ਦੋ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਕ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਔਰਵਿਲ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਵਿਲਬਰ ਰਾਈਟ, ਇਹ ਦੋ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ, ਹੂ ਇਨਵੈਂਟਿਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ? ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਐਰੋਪਲੇਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਇਗੋਰ ਸਕੋਰਸਕਾਈ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਨਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਤਾਂ ਇਗੋਰ ਸਕੋਰਸਕਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਗੋਰ ਸਕੋਰਸਕਾਈ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੂਇਸ ਬ੍ਰਿਗਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਔਰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਬੇਟਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਇਗੋਰ ਸਕਿਓਰਸਕਾਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ ਲੂਇਸ ਬ੍ਰਿਗਟ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ। ਇਹ ਦੋਹੇ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਇਹ ਦੋਹੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਇਗੋਰ ਸਕਿਓਰਸਕਾਈ ਅਲੱਗ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੂਇਸ ਬ੍ਰਿਗਟ ਅਲੱਗ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ, ਹੂ ਡਿਸਕਵਰਡ ਐਕਸਰੇਜ਼? ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ। ਐਕਸਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰ ਰੋਂਟੇਜਨ ਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਰੋਂਟੇਜਨ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟਿੱਕ ਲਾ ਦਾਂਗੇ WC ਰੋਂਟੇਜਨ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੂ ਡਿਸਕਵਰਡ ਐਕਸਰੇਜ਼, WC ਰੋਂਟੇਜਨ ਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਐਕਸਰੇਜ਼। ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਕ ਲਾ ਦੋਗੇ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ, ਹੂ ਡਿਸਕਵਰਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ? ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ TB ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬੇਟਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ AV ਲਿਵਨਹੌਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਗਜ਼ਾਮ 'ਚ, ਹਰ ਇਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਮੋਸਟ ਆਫ ਪਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। AV ਲਿਵਨਹੌਕ ਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਹੂ ਡਿਸਕਵਰਡ ਵਾਇਰਸ? ਜੇ ਬੇਟਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ AV ਲਿਵਨਹੌਕ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਇਵੈਨੋਵੈਸਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਕ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਇਵੈਨੋਵੈਸਕੀ। ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਇਵੈਨੋਵੈਸਕੀ। ਨੈਕਸਟ, ਹੂ ਇਨਵੈਂਟਿਡ ਦੀ ਬਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪੈੱਨ? ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈੱਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪੈੱਨ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪੈੱਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਬੀਰੋ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ John J. Loud। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ John J. Loud 'ਤੇ ਟਿੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਬੇਟਾ ਬੀਰੋ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੋਹੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪੈੱਨ ਸਾਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ John J. Loud ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਰੋ ਬ੍ਰਦਰਸ ਵਿੱਚ ਲੈਜ਼ਲੋ ਵੀਰੋ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪੈੱਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਬੀਰੋ ਬ੍ਰਦਰਸ ਇਕੱਲਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ John J. Loud ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ,
हु इनवेंटेड फाउंटेन पेन। देखो दो पेन ने, जे कवे थोनू अपना बेटा बाल पॉइंट पेन तो जॉन जे लाउड या बीरो ब्रदर्स, ठीक है। तो जे थोनू कवे फाउंटेन पेन बेटा तो लुईस ई वाटरमैन ने बनाया सीगा फाउंटेन पेन। तो ये भी बहुत फेमस, बहुत बारी एग्जाम च आ चुके हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम च आए हुए ने बेटा, प्रीवियस किसी ना किसी एग्जाम च आए हुए ही क्वेश्चन ने बेटा। मैं कोई बेटा उरे साइंटिस्ट तो है नहीं जिन्हें मैं अपने वालों कोई क्वेश्चन बनाऊंगा बेटा, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन ने बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने। बस मैं सब का अरेंजमेंट एक तरीके करके थोड़ा मैं दस रहा बेटा। तो लुईस ई वाटरमैन नाँ का परसन है जिन्हें फाउंटेन पेन न बनाया बेटा। नैक्सट, हु इनवेंटेड सिनेमा। तो सिनेमा जरा अजकल बहुत फेमस है बेटा, तो यह नाइकॉल्स एंड जीन लुमियर ने बनाया सीगा। तो बी ऑप्शन नाइकॉल्स एंड जीन लुमियर नाँ के परसन ने सिनेमा नू बनाया सीगा। तो बी ऑप्शन देते आप टिक ला देंगे बेटा। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप वर वॉज डिस्कवर्ड बाय। बहुत ही फेमस ब्लड ग्रुप्स ने जेटा बेटा अपने ए बी ते ओ, ये जेरे ब्लड ग्रुप्स ने बेटा ये अपना लैंड स्टीनर नाँ के परसन ने डिस्कवर किए से बेटा। तो बी ऑप्शन लैंड स्टीनर के उत्ते तुसी टिक ला दोगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, हु इनवेंटिड वैक्सीनेशन। देखो बेटा दो चीज़ा होंदिया ने, एक मेडिसन होंगी एक वैक्सीनेशन होंगी बेटा। मेडिसन उदो आप लैंने जो आपको बीमारी लग जाती है तो आप उस तो बाद मेडिसन लैने, बट वैक्सीनेशन की होंगी है बेटा, ये उदो दवाई लैने जो आप बीमारी लगी नहीं, वो तो पहले ही दवाई ले लें बेटा, भी ता जो आने वाले समय में आप दवाई ना भी आपू बीमारी ना लगे बेटा। तो सब तो पहली वैक्सीन बेटा समॉल पॉक्स लिए बनाई सी एडवर्ड जीनर नाँ के परसन ने। तो एडवर्ड जीनर बी ऑप्शन दे तो तुसी टिक ला दोगे, एडवर्ड जीनर, ओके बेटा। नेक्स्ट देखो, हु इनवेंटेड वैक्सीनेशन फॉर समॉल पॉक्स। तो मैंने दस्या समॉल पॉक्स वास्ते सब तो पहला एडवर्ड जीनर नाँ के परसन ने वैक्सीनेशन तैयार की सी। तो सी ऑप्शन दे तो तुसी टिक ला दोगे, एडवर्ड जीनर। नेक्स्ट, हु इनवेंटिड लेज़र। जिमें कि बेटा थोड़ा सब न पढ़े हुए 9th 10th क्लास लेज़र, है ना। तो लेज़र बेटा बनाई सी टी एच मैन ने बेटा। तो टी एच मैन नाँ के परसन ने लेज़र बनाई सी। अज तक बेटा एग्जाम च लेज़र की फुल फॉर्म आती है बेटा, भी लेज़र की फुल फॉर्म की है बेटा, तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड अमीशन ऑफ रेडिएशन। क्लीयर है? तो स्टिमुलेटेड अमीशन है बेटा, ये कई बार एग्जाम भी लेज़र के आप केड़ा फिनोमिना यूज़ किया, स्टिमुलेटेड अमीशन ऑफ रेडिएशन यूज़ किया, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड अमीशन ऑफ रेडिएशन। तो सी ऑप्शन देते तुसी टिक ला दोगे, टी एच मेमैन ने इनू इनवेंट किया सीगा लेज़र नू। हु इनवेंटिड ऑप्टिकल फाइबर केबल। बहुत ही फेमस बेटा, जिहड़ा तुहाने सुनिया होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ने बेटा, इनू इनवेंट किया अपने एक इंडियन परसन सीगा बेटा, नरेंद्र सिंह कपानी। ये बेटा हैगा तो मतलब की है भी ओरिजन तो अपने इंडियन है, बट रेंदर हुंदा है बाहरली कंट्रियां विच हुंदे ने बेटा, ठीक है ना। तो नरेंद्र सिंह कपानी ने बेटा सब तो पहला अपनी ऑप्टिकल फाइबर बनाई सी बेटा। तुहानू पता ऑप्टिकल फाइबर है जी बेटा, ये TIR टोटल इंटरनल रिफलैक्शन के उत्ते काम करता है बेटा, जिहड़ा अपना ऑप्टिकल फाइबर केबल हुंदी है बेटा। तो नरेंद्र सिंह कपानी, तो डी ऑप्शन दे तुसी टिक ला दोगे बेटा। तो इस दे नाल बेटा अज दा सैशन अपना खत्म होगा बेटा, आओ अगे पार्ट्स आणगे बेटा इस दे इनवेंशन एंड डिस्कवरीज दे, स्टे ट्यून्ड बेटा, ठीक है ना। तो थैंक्स यू एवरीवन। तो प्लीज़ ये जे हाले तक थोने मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल नू सबसक्राइब करो, तो बेटा अपने फ्रेंड्स को ये वीडियोज़ नू भेजो बेटा, भी ता जो वीडियोज़ नू देख के बेटा अच्छा डाटा उन्होंने भी मिल सके। थैंक्स यू एवरीवन।